हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो जनाब, आज हम बना रहे कावा जो कि जाते भी विंटर्स है और सबको जो है गले में खराश, फीवर, फिल्यू तमाम लोगों को है, तो ज़रूर ये कावा एंड तक देखिएगा और आप भी बनाइए मेरे साथ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका बहुत इजी जो है तरीका है, आपने अपना सेलफोन लेना है एंड जो है उसका पासवर्ड लगाना है एंड ठीक है। सो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपने जो है जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब हमें ढूंढते हैं, यूट्यूब कहाँ है ये रहा, ठीक है जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गया है, यहाँ पे सर्च का जो है बटन है, यहाँ पे आपने जाके सर्च करना है सुंदर स्वाद, आपने लिखेंगे सुंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सुंदर स्वाहा टॉप पे ही जो है लिखा हुआ था, तो इसे ही हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे जो है आ गया है मेरा चैनल, आपने इसे प्रेस करना है एंड मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। सुंदर शाइन के नाम से मेरा चैनल है एंड मेरी जो नाम है सुंदर स्वाहा है, यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करना है और जो है बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और ये मेरी वीडियोस है जो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपने इन वीडियो को अभी तक नहीं देखा, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सो डू लाइक एंड शेयर। सो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए बड़ी इलायची, इस तरीके की होती है, ठीक है, आपको इजीली आपके गरम मसाले में से आराम से मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे हमें चाहिए जिंजर, ठीक है, इस तरीके से आपने इसे साफ़ करके रख लीजिएगा, इसको छील के रख लीजिएगा। थर्ड नंबर पर हमें चाहिए थ्री लौंग मिस, ये भी आपको आराम से जो है आपके गरम मसाले से मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमें चाहिए हनी, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, जिसका यूज़ हम एंड में करेंगे, ठीक है। सो आइए चलते हैं अब कावा बनाने के जानिब। सो जी, कावा बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का एक डिश, ये डिश मैंने एक ले लिया है, ठीक है। सो कावा बनाने के लिए हमने ले ली है डिश, फिर हमने लेना है इस तरीके के 2 कप जो है पानी ले लीजिएगा, ये 1 कप है, फिर इसके साथ ही मैं जो है 2 कप डालूँगी, ठीक है। सो 1 कप मैं इसके अंदर जो है ऐड कर रही हूँ, देन मैं सो जी विवर्स, इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे 2 कप जो है यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, ये हमारे पास आ गए 2 कप पानी, ठीक है। इस तरीके के कप आपने ले लेना है, जो भी आप कप लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कप इसके अंदर पानी जो है शामिल कर दिया, अब हम इसकी करते हैं फ्लेम ऑन। सो जी व्यूअर्स, यहाँ पे फ्लेम ऑन करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दी है ये जिंजर, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 3 लौंग, देन इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं ये बड़ी इलायची, ठीक है जी। सो ये अच्छी तरीके से आपने कुक कर लेना, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपने इतने टाइम पीरियड में आपने जो है कुक करना है, आपने इसे हमने देखा था, आपने देखा था मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाले हैं, ठीक है। जब इसके अंदर 1 कप पानी रह जाए, मीन्स कि आपका कावा 1 कप जितना रह जाए, आपने उसे निकालना है और ठीक है जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे इसे कुक करना है। सो इसे ज़रूर लाजमी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो है बहुत इजी है और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जब तक आपको फीवर, फ्लू, आपको गले में खराश वगैरह जब भी है, आपने इसे यूज़ करना है डेली बेस पे, डे में 2 टाइम्स आपने यूज़ करना है, और जब तक आपको इसके अंदर आपकी तबीयत में आपको कमी महसूस ना हो तब तक आप इसे यूज़ करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। सो ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे इसे छोड़ते हैं कुक होने के लिए। आपने सो जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल जो है स्लो कर दी है, इवन के मैं इसे बंद कर रही हूँ, क्योंकि 2 कप में से 1 कप जो है पानी बच गया है। अब आपने इसे जो है छन्नी की मदद से छान के निकाल लेना है। और अगेन यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगी कि ये इन्ग्रीडियंट्स आप रीयूज़ कर सकते हैं दिन में,
दिन में आप दो दफ़ा जो है ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो और दिन में आपने ये टू टाइम देना है, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं इसे छन्नी की मदद से छान लेती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जो है इसे छान लिया है। इन दी एंड यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल जो स्पून हनी है के अंदर जो है मैंने शामिल कर लेना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन आया था, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ही है, ठीक है। आपने बस इसको इतना कुक करना है, 2 कप में से 1 कप पानी ले जाए, ठीक है। ये आपने इसे अच्छे से यहाँ पे डाल लेना है और आपने इसे देना है, ठीक है। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है झटपट से बनने वाला कावा, झटपट से बनने वाली रेमेडी आपके सामने है, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको भी जो है यकीनन फ़ायदा होगा, 100% गारंटी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।